चलिए, आज जो है पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत ही आज हम अनुच्छेदों को आगे बढ़ेंगे, ठीक है, जिसमें हमने जो है अनुच्छेद 243 ज तक जो है पढ़ लिया था। आज जो है हम पढ़ने जा रहे हैं जिसमें पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत जो है अनुच्छेद 243 के बारे में बात करेंगे, जिसका भावार्थ यानी जिसके अंतर्गत जो है पंचायत के निर्वाचन संबंधित जो है घटनाएं हम देखेंगे, ठीक है। पहले तो हम समझते हैं, देखिएगा कि पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत आपने जो टॉपिक पढ़ा है ये सबसे इंपॉर्टेंट है। याद रखिएगा कि आने वाले जो एग्ज़ाम है, आपके व्यापम के एग्ज़ाम है, जो एडीओ है, ठीक है, इसके संबंध में जो विभिन्न एग्ज़ाम है, और उसके साथ ही साथ याद रखिएगा कि आप पीएससी की तैयारी कर रहे हैं, पीएससी में और व्यापम के जितने भी एग्ज़ाम हैं वहाँ पर कहीं ना कहीं जो है अर्बन रूल्स या फिर जो है पंचायत से संबंधित जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, याद रखिएगा उन सभी में ये क्वेश्चंस बनाए जाते हैं, ठीक है। तो उससे संबंधित जब क्वेश्चन आते हैं हमारे सामने, तो ये सभी टॉपिक अगर आपने एक इसका गहन अध्ययन किया हुआ है, एक डीप नॉलेज आपके पास है, तो ये क्वेश्चन आपसे प्रॉपर तरीके से जो है सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा इस पर, और विशेष तौर पर जो है हमारे वीडियो पे से जुड़े रहिएगा। लगातार आपको एडीओ की तैयारी के लिए जो है एक बड़ा मंच मिलने वाला है, जिसमें आप जो है एडीओ की तैयारी कर सकते हैं, जिसमें आप पंचायती राज व्यवस्था, ठीक है, योजनाएं, राज्य स्तरीय योजनाएं और एनआरएलएम से संबंधित घटनाओं और उससे संबंधित फैक्ट को आप पढ़ेंगे, ठीक है। साथ ही साथ जो है इसमें एडीओ से संबंधित जितने भी टॉपिक्स हैं, जितने भी सिलेबस हैं, उसको हम कवर करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो इसके अंतर्गत जो है जितने भी टॉपिक हैं आपके, उन सभी को मैं कवर करने जा रहा हूँ। जो आज हमारा जो टॉपिक है, याद रखिएगा, जिसमें हम डिस्कस करेंगे अनुच्छेद, जो कि आपके कंप्लीट जो अनुच्छेद है, याद रखिएगा, जिसमें हम 243 से लेकर 243 ओ तक जो है कवर करने वाले हैं, ठीक है। तो देखिएगा आज जो है हम डिस्कस करने जा रहे हैं, अनुच्छेद 243 के, ठीक है, और इसके अंतर्गत है पंचायतों का निर्वाचन, ठीक है, समझते हैं। देखिएगा तो पंचायतों के निर्वाचन से संबंध क्या है, इससे पहले हम स्पष्ट करते हैं। इसके अंतर्गत याद रखिएगा कि पंचायतों का निर्वाचन क्या है या पंचायतों का आधार क्या है, तो एक बात समझिएगा कि हमारे यहाँ जो लोकल बॉडी है, ठीक है, लोकल जो अर्बन बॉडी है, याद रखिएगा, या फिर जिसे आप कह सकते हैं पंचायत, तो पंचायत के बारे में आपने अभी तक जो है 3 से 4 क्लासेस या 5 क्लासेस कवर किया हुआ है, ठीक है, जिसमें आपने पढ़ा है कि पंचायतों के अधीन जो है हम राज्य स्तर पर ये बात समझ पाते हैं कि राज्य स्तर पर जो है सरकार पंचायतों को स्टेबल करेगी या फिर पंचायत को स्थापित करेगी, और इनके सभी क्षेत्र के आधार पर जो है या वहाँ के पॉपुलेशन के आधार पर जो है ये क्षेत्र को स्थापित किया जाता है, ठीक है। अब ऐसे में देखिएगा, जैसे अगर हम बात करें सबसे छोटी इकाई की, तो पंचायतों की सबसे छोटी इकाई जो होती है वो है ग्राम पंचायत। दूसरा, पंचायत से बड़ी इकाई होती है आपकी जनपद पंचायत, और वही तीसरा सबसे बड़ी इकाई होती है जिला पंचायत, ठीक है। तो पंचायतों की इस तीन व्यवस्थाओं के अंतर्गत जो है पॉपुलेशन के आधार पर, जनसंख्या के आधार पर जो है इन सभी को आधारित किया जाता है। और वहीं एक बात याद रखिएगा कि इन सब में सबसे इंपॉर्टेंट है जो कि इसको स्थापित करने का जो तरीका है वो पूरे सारे तरीका जो है पंचायत के निर्वाचन संबंधित है, याद रखिएगा। यानी राज्यपाल राज्यपाल की अधिसूचना पर जो है इन तीनों निकायों को स्थापित किया जाता है, याद रखिएगा। यानी राज्यपाल अधिसूचित करते हैं कि कौन सा क्षेत्र जो है ग्राम पंचायत, कौन सा क्षेत्र जनपद पंचायत, और कौन सा क्षेत्र जो है आपके जिला पंचायत में परिवर्तित होगा। और इसी आधार पर याद रखिएगा कि जब इन सभी को स्थापित करने की बात आती है, तो इनमें जो अधिसूचना पर केवल ये स्थापित नहीं हो जाते, ठीक है, इन्हें स्थापित करने के लिए आपको आवश्यकता होती है निर्वाचन की, निर्वाचन या वोटिंग या इलेक्शन की बात करते हैं हम लोग इसमें, ठीक है। तो इसके लिए याद रखिएगा इसके लिए होता है इलेक्शन, ठीक है, वोटिंग। तो याद रखिएगा निर्वाचन या वोटिंग या इलेक्शन इसका मुख्य आधार है, लेकिन अधिसूचना जो जारी होता है, याद रखिए, ग्राम पंचायत के नाम या ग्राम पंचायत का जो सीमांकन होता है वो अधिसूचित किया जाता है किसके, राज्यपाल के अधिसूचना के द्वारा, ठीक है। तो राज्यपाल के अधिसूचना के द्वारा जो है ये, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आप ऐसे कह सकते हैं, मान लेते हैं कोई क्षेत्र है जिसका नाम ए है, ठीक है, कोई क्षेत्र है जिसका नाम ए है और यहाँ का पॉपुलेशन जो है अभी 1800 ग्रामीणों का है, ठीक है।
कोई क्षेत्र ए है जहां पर 1800 ग्रामीण रहते हैं, लेकिन कुछ समय के बाद इस ए क्षेत्र में लगभग 3000 से अधिक ग्रामीण निवास करने लगते हैं, तो ऐसी स्थिति में याद रखिएगा, ऐसी स्थिति में यहां पर एक स्थिति बनती है जहां पर पॉपुलेशन अधिक होने के कारण जो है इस ग्राम पंचायत का बंटवारा किया जा सकता है, और ऐसे में यहां पर दूसरा ग्राम पंचायत निर्मित हो जाएगा जिसका नाम होगा बी, और इसके अंतर्गत याद रखिएगा इसे अधिसूचित कौन कर सकता है, तो राज्यपाल। ठीक है, अभी निर्वाचन नहीं हुआ, देखिए समझिएगा बात, केवल क्या हुआ है, एक नया ग्राम पंचायत बना है जिसका नाम भी है, लेकिन अभी जो है इसके पदाधिकारी या फिर किसी प्रकार के कोई भी पदाधिकारी जो है यहाँ पर निर्वाचित नहीं हुए हैं। ठीक है, तो केवल क्षेत्र के नाम की अधिसूचना जो है कौन जारी कर सकता है, राज्यपाल जारी कर सकता है। और वही एक बात ध्यान रखिएगा कि अब इस क्षेत्र में जो पदाधिकारी आएंगे, जैसे कि सरपंच हो गए, ठीक है, ये जो पदाधिकारी होंगे सरपंच, पंच, उप सरपंच और सरपंच, इन सभी पदाधिकारियों की जो है जैसे ही नियुक्ति की जाएगी या फिर इसे इलेक्शन के द्वारा लाया जाएगा तो उसका मुख्य आधार होता है निर्वाचन करना। ठीक है, तो पंचायतों का निर्वाचन जो है संबंधित है, याद रखिएगा, किसी क्षेत्र के पदाधिकारियों तथा उस क्षेत्र के निर्वाचन से संबंधित है। और ऐसी सुविधाओं के लिए याद रखिएगा सबसे पहले उस क्षेत्र का क्या होता है, अधिसूचना होता है, अधिसूचना के बाद जो है वह क्षेत्र तैयार होता है किसी ग्राम पंचायत के तौर पर, लेकिन अभी भी जो है वहां पर रूल्ड कैसे होता है या रूल कैसे होता है, तो याद रखिएगा अभी वहां पर रूल प्रारंभ होने के लिए जो है एक बात याद रखिएगा, यहां पर इलेक्शन की आवश्यकता होती है, निर्वाचन की आवश्यकता होती है, तो पंचायतों का निर्वाचन जो है इसका संबंध मुख्य तौर पर इसी बिंदु पर आता है। ठीक है, अब इसी के अंतर्गत जो है आपको तीन फैक्ट याद रखना है, पहला पंचायतों का निर्वाचन आर्टिकल 243 सब क्लॉज के, ठीक है, के अंतर्गत याद रखिएगा 243 के अंतर्गत पंचायतों के निर्वाचन के लिए या पंचायतों का आधार दिया गया, पंचायतों का निर्वाचन दिया गया है, तो सबसे पहले याद रखिएगा इसमें सबसे प्रमुख व्यक्ति, एक राज्य के लिए सबसे प्रमुख व्यक्ति जो होता है संवैधानिक प्रमुख होता है, याद रखिएगा राज्यपाल। और राज्यपाल जो है निर्वाचन किसी राज्य में किसी पंचायत के क्षेत्र का निर्वाचन करने के लिए जो है सबसे पहले याद रखिएगा यहां पर निर्वाचन, ठीक है, तो इस क्षेत्र में जो है निर्वाचन आयोग का गठन करेगा, निर्वाचन कराएगा, और साथ ही साथ याद रखिएगा ठीक है, जैसे कि आप कह सकते हैं कि राज्य निर्वाचन आयुक्त, ठीक है, राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करेगा, राज्यपाल, याद रखिएगा। तो इस तरीके से आपको याद रखना है कि निर्वाचन जो है निर्वाचन जो है इसके निर्वाचन कराने के लिए किसी क्षेत्र में निर्वाचन कराने के लिए खासकर पंचायती क्षेत्र के लिए, ठीक है, राज्यपाल जो है निर्वाचन आयोग का गठन करता है, और उसके साथ साथ याद रखिएगा उस निर्वाचन आयोग के जो है प्रमुख होते हैं निर्वाचन आयुक्त, राज्य निर्वाचन आयुक्त कहा जाता है, इनकी नियुक्ति जो है राज्यपाल से संबंधित है, याद रखिएगा, यानी राज्यपाल नियुक्ति करते हैं। ठीक है, इसके अलावा याद रखिएगा इसके क्षेत्र में जो है ना, अब इसके कार्य को थोड़ा समझिएगा, ठीक है, कि इस क्षेत्र में पंचायतों का जो निर्वाचन होता है, ठीक है, इसमें जब निर्वाचन आयोग बनता है, यानी कि ये जो निर्वाचन आयोग है, याद रखिएगा इसके संबंध में आपको ध्यान रखना है कि इसके संबंध में निर्वाचन आयोग जो है, देखिए पंचायतों का निर्वाचन है तो उसमें मुख्यतः क्या चाहिए आपको, निर्वाचन आयोग चाहिए। अब निर्वाचन आयोग की नियुक्ति कौन कर रहा है या निर्वाचन आयोग का गठन कौन कर रहा है, तो राज्यपाल कर रहा है, उसके निर्वाचन के प्रमुख जो है निर्वाचन आयुक्त जो है उसका गठन, इसकी नियुक्ति कौन कर रहा है, तो राज्यपाल करते हैं, याद रखिएगा। और उसी के साथ आपको एक बात याद रखना है कि इस निर्वाचन आयोग का कार्य क्या है मुख्य तौर पर, ठीक है, तो सामान्य तौर पर याद रखिएगा इसके मुख्य जो कार्य हैं उसको एक लिस्ट में मैं आपको बताता हूं। तो सबसे पहले याद रखिएगा मतदाता सूची तैयार करना, मतदाता सूची तैयार करना इसका मुख्य काम है। इसके अलावा निर्देशन, मतदाता के अलावा जो है निर्वाचन का निर्देशन करना, ठीक है, नियंत्रण करना और निर्वाचन संबंधी पदाधिकारियों
को नियुक्त करना, ठीक है। तो याद रखिएगा, इसका मुख्य कार्य निर्वाचन आयोग का, जो मतदाता सूची को तैयार करता है, साथ ही साथ नियंत्रणकारी संस्था है, याद रखिएगा, निर्देशन करता है, अधीक्षण करता है, और उसके अलावा जो है मतदाता सूची को भी तैयार करने का जो सारा कुछ है वो कौन तैयार करता है? निर्वाचन आयोग करता है, ठीक है। इसके अलावा याद रखिएगा कि राज्य निर्वाचन आयुक्त के जो सेवा शर्तें हैं, ठीक है, राज्य निर्वाचन आयुक्त के जो सेवा शर्तें हैं, यानी इनके संबंध में जो सेवा शर्तें होंगी, ठीक है, ठीक है, राज्य निर्वाचन आयोग के जो सेवा शर्तें होती हैं वो राज्यपाल निर्धारित करते हैं, याद रखिएगा, ये राज्यपाल के से संबंधित होते हैं, ठीक है, तो राज्यपाल से संबंधित होते हैं। साथ ही साथ जैसे सेवा शर्तों का अर्थ क्या है यहाँ पर, तो याद रखिएगा कि राज्य जो राज्य निर्वाचन आयुक्त है इसके संबंध में जैसे कितने वर्ष तक इनकी नियुक्ति बनी रहेगी, ठीक है, इनकी जो सेवा होगी वो किस नियंत्रणकारी संस्था से जुड़ी होगी, ठीक है, किस क्षेत्र में इनका कार्य क्रमतः जो है निर्मित होगा, ठीक है, इन सभी क्षेत्रों में जो है राज्यपाल जो है निर्धारित करते हैं इनके सेवा शर्तें, ये भी याद रखिएगा आप, ठीक है। इसके बाद देखिएगा, जैसे ही राज्य निर्वाचन आयुक्त नियुक्ति होती है, राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति के पश्चात ये आप फैक्ट के तौर पर याद रख सकते हैं कि जब राज्य निर्वाचन आयोग की नियुक्ति कर दी जाती है तो उनकी सेवा शर्तों में किसी प्रकार का अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता, ठीक है, अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता, याद रखिएगा। तो ये बात एक फैक्ट के तौर पर याद रख सकते हैं क्योंकि कथन कारक में संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। साथ ही साथ याद रखिएगा कि यदि ऐसी स्थिति पाई जाती है कि राज्य का निर्वाचन आयुक्त जो है किसी प्रकार का कदाचार सिद्ध होने के बाद जो है, कदाचार का मतलब किसी प्रकार का ऐसा कार्य जिससे जो है राष्ट्रहीनता, या फिर हम इसे कदाचार कह सकते हैं, याद रखिएगा, राज्य निर्वाचन आयुक्त के द्वारा किसी प्रकार का कदाचार। अब ये कदाचार क्या है यहां पर थोड़ा समझिएगा, जैसे कि कई बार कुछ घटनाएं हमको देखने को मिलती हैं, ठीक है, जैसे कि आप कह सकते हैं कि एक घटना या एक वीडियोग्राफी जो है सामने आई थी अभी कुछ समय पहले, ठीक है, जिसमें चंडीगढ़ में जो है जब वोट हो रहा था या वोट का जो क्षेत्र था चंडीगढ़ क्षेत्र में, ठीक है, तो ऐसे स्थिति में याद रखिएगा कि वहाँ जो है राज्य निर्वाचन आयुक्त जो है वहाँ उस क्षेत्र में जो है राज्य निर्वाचन आयुक्त के संबंध में या फिर किसी व्यक्ति के संबंध में, अभी हम इसको अन्यथा ना लेकर के केवल समझने का प्रयास करेंगे कि इस तरीके की घटना कैसे होती है जहाँ पर कुछ पार्टियों के हित में राज्य निर्वाचन आयुक्त कार्य कर रहे होते हैं, ठीक है, और उसकी वीडियो रिलीज हो जाती है, ठीक है। तो ऐसे स्थिति में समझिए कि कुछ पार्टियों के हित में अगर राज्य निर्वाचन आयुक्त कार्य कर रहा होता है तो ऐसे स्थिति में वह कदाचार माना जाएगा, ठीक है। यानी आप जब भी अपने कार्य के संदर्भ पर कोई कार्य करते हैं तो उसका अर्थ होता है कि आप जो है बिना किसी पार्टियों के संबंध में, बिना किसी राजनीतिक दबाव में अपना कार्य जो है, जो अपने कार्य को पूर्णता से पूर्ण किया जा सके, ठीक है, इस प्रकार के कार्य को पूर्ण करते हैं जिसमें आपका जो कार्य है वह किसी प्रकार के कदाचार के तौर पर ना जाना जाए, ठीक है। तो इस प्रकार की स्थिति के जो है अगर संबंध से कोई राज्य निर्वाचन आयुक्त जो है इस प्रकार के किसी कार्य को करता हुआ पाया जाता है या कदाचार सिद्ध हो जाता है, ठीक है, कदाचार सिद्ध हो जाता है, याद रखिएगा, तो इसे हटाए जाने की जो प्रक्रिया है तो इसे जो हटाए जाने की प्रक्रिया है, याद रखिएगा, वह न्यायाधीश को हटाए जाने की प्रक्रिया के समान होती है, याद रखिएगा, यानी उच्च न्यायालय के हाईकोर्ट के
न्यायाधीश को हटाए जाने की विधि के समान होती है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा याद रखिएगा, तीन से चार बातें यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। 243 अनुच्छेद 243 के बोलता है, पंचायतों के निर्वाचन के संबंध में जानकारी देता है। निर्वाचन कराने के लिए जो है राज्य में राज्य निर्वाचन आयुक्त होता है, याद रखिएगा। लेकिन मुख्य तौर पर याद रखिएगा कि राज्य निर्वाचन आयोग जो है इसकी नियुक्ति या इसका गठन जो है यह मुख्य तौर पर राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। ठीक है, अब राज्यपाल जो है आयुक्त का भी नियुक्ति करते हैं और उसी आयुक्त के संबंध में तीन बातें आती है, याद रखिएगा। पहला कि राज्य निर्वाचन आयुक्त होगा जो, ठीक है, वह तीन से चार काम को सबसे महत्वपूर्ण तौर पर देखेगा। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज याद रखिएगा कि राज्य निर्वाचन आयोग जो होता है, आयोग और आयुक्त में अंतर यह है कि यह संस्था है जिसे हम आयोग कहेंगे और इसका जो मुखिया होता है या प्रमुख होता है उसे हम निर्वाचन आयुक्त कहते हैं। अब निर्वाचन आयुक्त या आयोग की बात करें, तो मुख्य तौर पर याद रखिएगा इसके कार्य होते हैं कि मतदाता सूची को तैयार करना, इसके अलावा जो है निर्देशन का कार्य करना, इसके अलावा अधीक्षक का कार्य करना, इसके अलावा जो है नियंत्रणकारी संस्था के तौर पर कार्य करना और निर्वाचन से संबंधित सारे गतिविधियों पर ध्यान रखना। ठीक है, अब उसी के संबंध में याद रखिएगा कि इसका जो मुखिया होता है या प्रमुख होता है इसे कहा जाता है राज्य निर्वाचन आयुक्त। और ऐसी स्थिति याद रखिएगा, इनका जो नियुक्ति होता है राज्यपाल के द्वारा किया जाता है और इनके सेवा और शर्तें निर्धारित की जाती है राज्यपाल के द्वारा। और साथ ही साथ याद रखिएगा, इनकी नियुक्ति के पश्चात जो है इनके सेवा शर्तों में अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता। इसका मतलब होता है, याद रखिएगा, कि एक बार नियुक्ति हो जाने के बाद जो सेवा शर्तें दी गई थी उसमें अलाभकारी यानी किसी इस प्रकार का कटौती या बदलाव नहीं किया जा सकता जो कि उस आयुक्त के लिए जो है या फिर उस सेवा शर्तों के लिए जो है निर्धारित न किया गया हो। ठीक है, मतलब बाद में जो है आप किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा देखिएगा, राज्य निर्वाचन आयुक्त जो है किसी प्रकार के कदाचार में सिद्ध पाए जाते हैं यानी कदाचार जो है में लिप्त पाए जाते हैं और वो सिद्ध हो जाता है तो ऐसी स्थिति में याद रखिएगा जो राज्य का उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं उनको हटाए जाने की जो प्रक्रिया है उसी प्रक्रिया के तहत जो है इन्हें हटाया जाता है। ठीक है, तो इतना पॉइंट आपको कवर करना है इसके अंतर्गत। चलिए चलिए नेक्स्ट देखिएगा, इसके बाद आता है आपका 243L। ठीक है, अनुच्छेद 243 सब क्लॉज L। ठीक है, तो देखिएगा 243L क्या बोलता है, तो याद रखिएगा संघ राज्य क्षेत्र में लागू करना। ठीक है, संघ राज्य क्षेत्र में लागू करना, याद रखिएगा। ठीक है, तो आप यहां पर इसको इस तरीके समझ सकते हैं कि संघ राज्य क्षेत्र, इसके लिए आपको यह समझना होगा कि हमारा जो राज्य है, ठीक है, जो भारत के मुख्य प्रशासन तंत्र हैं उनको हम दो प्रकार के प्रशासन तंत्रों में समझते हैं। ठीक है, पहला एक होता है सामान्य राज्य, एक होता है आपका यूनियन टेरिटरी या फिर संघ राज्य। सामान्य राज्य और संघ राज्य का मतलब आप थोड़ा सा समझ सकते हैं यहां पर कि जो सामान्य राज्य होता है इसकी जो प्रशासनिक तंत्र होती है या राजनीतिक जो तंत्र होता है ये सामान्य तौर पर जैसे कि हमारे सामान्य गतिविधियों के हिसाब से चलता है, जैसे मुख्यमंत्री का होना, मंत्रिमंडल का होना, राज्य उनका एक प्रशासनिक तंत्र होना, ठीक है, इस प्रकार गतिविधियों में चलता है, याद रखिएगा। यानी आप ऐसा कह सकते हैं इसे चलाने के लिए जो विधानसभा विधानमंडल दो ऐसे राजनीतिक तंत्र या सदन जो है होते हैं जिसमें मुखिया जो होता है, याद रखिएगा, या फिर आप ऐसा कह सकते हैं कि जो मुखिया होता है इलेक्शन के द्वारा जो है किसी पार्टी के जो मुख्य व्यक्ति होते हैं उन्हें चुना जाता है और उसके द्वारा जो है मुख्यमंत्री जो है इस राज्य का बनता है। ठीक है, मुख्यमंत्री। लेकिन वही अगर संघराज्य क्षेत्र की बात करें तो याद रखिएगा संघराज्य क्षेत्र वह क्षेत्र होता है जिसमें किसी प्रकार का, ठीक है, हाँ कुछ अपवाद भी हैं याद रखिएगा, जैसे दिल्ली और पुदुचेरी है ना, ये दोनों संघराज्य क्षेत्र में है लेकिन अपवाद के तौर पर जाने जाते हैं, याद रखिएगा। तो ऐसी स्थिति में याद रखिएगा कि संघराज्य क्षेत्र के अंतर्गत जो है ना वे क्षेत्र या वे राज्य जहां पर राष्ट्रपति शासन के द्वारा सारा सिस्टम जो है क्रियान्वित होता है, एग्जीक्यूट होता है, राष्ट्रपति शासन के तौर पर होता है और यहां पर जो है उपराज्यपाल होते हैं। ठीक है, यहां पर राज्यपाल ना होकर के
उपराज्यपाल का पद होता है याद रखिएगा, और ऐसी स्थिति में जो है यहाँ पर मुखिया कौन होता है, तो याद रखिएगा राष्ट्रपति ही इन क्षेत्रों के लिए मुखिया कहलाते हैं, और राष्ट्रपति के शासन लागू होने के तहत जो है ये क्षेत्र क्रियान्वित होता है, एग्जीक्यूट होता है। ठीक है, तो हम अभी तक जितने भी टॉपिक पढ़ रहे हैं सभी समान राज्य के लिए पढ़ रहे थे प्रॉपर तरीके से, जिसमें सारे पंचायती को जो लागू होना है वो समान राज्यों के बारे में था। लेकिन 243L यह बोलता है कि संघ राज्य क्षेत्र में अगर ये लागू करना है, इस पंचायती राज व्यवस्था को लागू करना है, तो हमें समझना होगा वो कैसे लागू होगा। ठीक है, तो याद रखिएगा उसे लागू करने का जो तरीका होगा उसमें सबसे प्रमुख व्यक्ति जो होगा याद रखिएगा वो होगा के द्वारा। ठीक है, आपको एक बात सबसे इंपॉर्टेंट तरीके से याद रखना है कि संघ राज्य क्षेत्रों में अगर लागू करना है तो ऐसे पंचायती राज व्यवस्था को लागू करने के लिए यह घोषणा केवल कौन कर सकता है, राष्ट्रपति कर सकते हैं। यानी राष्ट्रपति चाहे तो स्थिति के अनुसार जो है याद रखिएगा किसी भी संघराज क्षेत्र में पंचायती राज व्यवस्था को लागू कर सकते हैं, और यह अनुच्छेद या जो ये पावर है ये पावर दिया गया है 243L के तहत राष्ट्रपति को। ठीक है, कि राष्ट्रपति जो है किसी भी संघ राज्य क्षेत्र के तहत जो है या संघ राज्यों में जो है पंचायती व्यवस्था को लागू कर सकते हैं, 243L में यह पावर राष्ट्रपति को दिया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिएगा इसके बाद। तो यहाँ पर आपको इतना ही याद रखना है, मुख्य तौर पर इतना आप याद रखिएगा। ठीक है, अब देखिए इसका जो अपवाद है ना, यानी एल में तो ये दे दिया गया कि संघ राज्य क्षेत्रों में ये लागू होगा। ठीक है, लेकिन कुछ ऐसे क्षेत्र हैं याद रखिएगा जहां पर पंचायती राज व्यवस्था को लागू नहीं किया जा सकता, और ये दिया गया आपके 243M में आर्टिकल अनुच्छेद 243 सब क्लॉज एम। ठीक है, देखिएगा तो इसके अंतर्गत एक बात सबसे महत्वपूर्ण याद रखिएगा, इसमें कहा गया है कि यह जो है एक अपवाद है। ठीक है, अब अपवाद क्या होता है तो याद रखिएगा, जब सामान्य तौर पर एक बात कही जाती है कि पूरे राज्य में भारत के सभी क्षेत्रों पर जो है 243 के तहत या 73वां संविधान संशोधन, ठीक है, 1992-93 के तहत जो है याद रखिएगा कि अगर छत्तीसगढ़ राज्य में, ठीक है, कंप्लीट एक राज्य में जो है पंचायती राज व्यवस्था को लागू करना है, तो भारत के ऐसा कोई क्षेत्र है जहां पर यह लागू नहीं हो सकता, उन सभी चीजों के बारे में लिखा गया है कहां पर, अनुच्छेद 243M में लिखा गया है। ठीक है, तो एक बात सबसे इंपॉर्टेंट याद रखिएगा कि पंचायती राज व्यवस्था जो है को संवैधानिक आधार मिला हुआ है, और संवैधानिक आधार का मतलब होता है कि इसे जो है हमारे कानून के नियमों में साथ में जोड़ा गया है, संविधान में जोड़ा गया है, जहां पर यह महत्वपूर्ण है जानना, और यह महत्वपूर्ण है कि राज्य में जो है अब पंचायती राज व्यवस्था जो है पूर्णतः रूप से लागू होगा। हाँ, कुछ क्षेत्रों में जो है इसे आप जो इसके लेयर होते हैं, ठीक है, जैसे कि मैंने अभी बताया कि पंचायती राज व्यवस्था के तीन लेयर सामान्य तौर पर होते हैं। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत और जिला पंचायत, लेकिन कुछ ऐसी बातें हैं याद रखिएगा जहां पर ये लेयर चेंज हो सकते हैं, कहीं पर चार भी हो सकता है, कहीं पर दो भी हो सकता है। ठीक है, तो संवैधानिक आधार देने के कारण आप एक बात कह सकते हैं कि संपूर्ण भारतवर्ष में पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया जा सकता है। ठीक है, संविधान संशोधन 1992-93 तिहत्तरवां संविधान संशोधन 92-93 के मध्य। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ में जो है याद रखिएगा 73वां संविधान संशोधन 1993 का जो कॉन्सेप्ट है ये स्थापित हुआ है, और उसी के आधार पर जो है छत्तीसगढ़ राज्य में पंचायती व्यवस्था को लागू किया गया है। लेकिन इसका एक अनुच्छेद है 243M, यह बोलता है कि कुछ क्षेत्रों में जो है पंचायती व्यवस्था को लागू नहीं किया जा सकता, आप इस संवैधानिक गतिविधियों के अनुसार जो है इसके कुछ अपवाद, ठीक है, रखे गए हैं। ठीक है, अब देखिएगा इसी अपवाद के तहत जो है आपको ये बात याद रखनी है कि इसमें जो है क्या क्या अपवाद दिया गया है। तो याद रखिएगा कौन कौन से क्षेत्र में, ठीक है, कौन कौन से क्षेत्र में संविधान के भाग 9 के अंतर्गत कुछ क्षेत्रों में
पंचायती राज व्यवस्था को लागू नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो इसके बारे में आपको मैं बताऊंगा इसमें कि इसके अंतर्गत कौन कौन से सब क्लॉज आते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला याद रखिएगा कि कौन कौन से क्षेत्र हैं। 244 के अंतर्गत, अब इसको यहां पर समझने वाली बात है कि आपको ऐसे याद रखना होगा कि अगर आपको संविधान की अनुसूची याद है, ठीक है, तो अनुसूची 5 के अंतर्गत शामिल क्षेत्र, अब इसी के अंतर्गत याद रखिएगा, अगर अनुच्छेद 244 सब क्लॉज 1 के अंतर की बात कहे जाए तो दोनों के अंतर्गत जो है यह बात लिखी गई है जिसमें यह बताया गया है कि वे क्षेत्र जो अनुसूची 5 में शामिल क्षेत्र हैं, ठीक है, उनके अंतर्गत जो है ऐसे क्षेत्र को शामिल नहीं किया जाएगा या पंचायती व्यवस्था को लागू नहीं किया जाएगा। तो याद रखिएगा अनुसूची 5 के अंतर्गत शामिल क्षेत्र या 244(1) में क्षेत्र के अनुसार याद रखिएगा 244(1) में क्षेत्र के अनुसार व्यवस्था, ठीक है, इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, बहुत आसानी से समझ सकते हैं कि 243(m) यह बोलता है कि कुछ क्षेत्र भारत के संपूर्ण क्षेत्र में लागू करने की बात की गई है ना, लेकिन उसी के साथ याद रखिएगा कि जैसे ही हमारे पास 243(m) आता है वो यह बोलता है कि 243(1), ठीक है, सॉरी 244 जो एक है याद रखिएगा, इसके अंतर्गत यह बात कही गई है कि जहां पर भारत के कुछ क्षेत्र या कतिपय क्षेत्रों में जो है पंचायती व्यवस्था को लागू नहीं किया जा सकता या नहीं किया जाएगा, ठीक है, उनमें कौन सा क्षेत्र शामिल है, तो याद रखिएगा 244(1) के अंतर्गत जो है ऐसी व्यवस्था रखी गई है जिसमें क्षेत्र के अनुसार जो है जो अनुसूची 5 में शामिल या अनुसूची 5 के अंतर्गत जो शामिल क्षेत्र है इनको शामिल किया गया है। ठीक है, तो पहला सब क्लॉज याद रख लीजिएगा अनुसूची 5 के अंतर्गत शामिल क्षेत्र, ठीक है, और उसी प्रकार याद रखिएगा दूसरा है अनुच्छेद 244 सब क्लॉज 2, ठीक है, तो याद रखिएगा इसके अंतर्गत लिखा गया है कि वे क्षेत्र जो जनजाति क्षेत्र घोषित हों या अनुसूची 6 में शामिल क्षेत्र, बस देखिए ऐसा याद करना है आपको, अनुसूची 5 अनुसूची 6 के अंतर्गत शामिल क्षेत्रों में जो कि अनुसूची जनजाति क्षेत्र शामिल हो याद रखिएगा इनके यहाँ जो है या फिर इस क्षेत्रों में जो है पंचायती व्यवस्था को लागू नहीं किया जाएगा, ये अपवाद के क्षेत्र में शामिल किया जाएगा। इसके अलावा कुछ अपवाद हैं याद रखिएगा, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर नागालैंड, ठीक है, तो नागालैंड राज्य के तौर पर याद रखिएगा कि यहाँ पर जो है पंचायती राज व्यवस्था को लागू नहीं किया जाएगा। इसके अलावा जो है कुछ राज्य और भी हैं जैसे कि आपका नागालैंड हो गया, उसके अलावा जो है आपका मेघालय हो गया, इसके अलावा आपका त्रिपुरा हो गया, ठीक है, इन क्षेत्रों में लागू नहीं किया जाएगा। यदि यहाँ के लोग, ठीक है, चाहते हैं प्रशासन के तौर पर तो राष्ट्रपति के साथ जो है या राष्ट्रपति की स्थिति पर जो है ये बात करके जो है अपने यहाँ लागू कर सकते हैं, लेकिन इनके यहाँ जो है अपने ही पंचायती व्यवस्था जो है स्थापित होती है, यानी कि ये जो है लोकल बॉडी के तौर पर जो है या अर्बन बॉडी के तौर पर जो है अपने ही क्षेत्र में अपने परिषद के तौर पर जो है यहाँ पर यह क्षेत्र लागू कर देते हैं और नियमों में परिवर्तन होते हैं। ठीक है, इसके अलावा देखिएगा और कौन से क्षेत्र शामिल नहीं होंगे, तो याद रखिएगा मणिपुर का पर्वतीय क्षेत्र जहां जिला परिषद
स्थापित है। ठीक है, तो मणिपुर का पर्वतीय क्षेत्र भी इसके अंतर्गत आता है, याद रखिएगा, जहां पर जिला परिषद स्थापित है। और उसी प्रकार याद रखिएगा दार्जिलिंग, ठीक है, वेस्ट बंगाल का दार्जिलिंग क्षेत्र, दार्जिलिंग पर्वतीय क्षेत्र, जहां गोरखा परिषद स्थापित है। ठीक है, तो यह आपको याद रखना है कि कहां कहां पर जो है ये क्रियान्वित नहीं होगा, अपवाद के तौर पर आपको क्षेत्र का नाम याद कर लेना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे। इसके बाद अनुच्छेद 243N के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो देखिएगा अनुच्छेद 243N, ठीक है, अब देखिएगा 243N क्या बोलता है, इसको समझिएगा। तो याद रखिएगा पंचायती राज का विद्यमान रहना और इसका बना रहना, ठीक है, यानी हम ऐसा कह सकते हैं कि अगर संसद के द्वारा कोई कानून बना दिया गया है, संविधान में कुछ परिवर्तन कर दिए गए हैं, तो उसके संरक्षण के लिए जो है इस प्रकार के कानून लाए जाते हैं, जो यह दर्शाता है कि अगर संसद बदल जाता है या संसद के लोग या सदस्य बदल जाते हैं तो इसमें लगातार वो परिवर्तन नहीं करेंगे, ठीक है, या फिर इसे समाप्त नहीं कर सकते। इस प्रकार के नियमों को हम कहते हैं अनुच्छेद 243N के तहत शामिल किए गए इन अनुच्छेदों के अंतर्गत वाक्यांश को। ठीक है, अब ऐसे में देखिएगा, इसे कहा जाता है कि पंचायतों का विद्यमान रहना व पंचायत का बना रहना, ठीक है, यह अनुच्छेद पंचायतों के संरक्षण की बात करता है। याद रखिएगा कि पंचायत जो है, देखिए एक साधारण सी बात आपको समझ में आनी चाहिए इस बात को लेकर कि संसद जो है ना, संसद आपको जानकारी होगा, संसद जो है यानी मुख्य तौर पर जो है संसद के जो अंग होते हैं उसमें मुख्यतः तौर पर जो है संसद में लोकसभा राज्यसभा जो स्थिति होती है, ठीक है, एक सदन है, उस सदन के आधार पर जो है यहाँ पर सांसद होते हैं और सांसद जो है 5 साल के लिए चुनकर आते हैं और यह सांसद जो है बदल सकते हैं राजनीतिक तौर पर जो है, और इस तरीके से कानून बनाने का कार्य भी संसद का है ना। तो संविधान में अगर ऐसे कोई बदलाव आते हैं या संविधान में पंचायत के बदलाव की बात की जाती है या पंचायत को समाप्त करने की बात की जाती है, तो उसके संरक्षण की बात जो है वो यहाँ पर अनुच्छेद 243N करता है कि पंचायत जो है इसे समाप्त नहीं किया जा सकता और बकायदा ये लंबे समय तक बना रहेगा, यानी इसके विद्यमान होने की बातें और पंचायत का बना रहना। ठीक है, अब देखिएगा इसी के अंतर्गत आपको एक बात याद रखनी है कि पंचायतों से संबंधित राज्य इसके कुछ फैक्ट्स से मैं आपको शामिल करता हूं। देखिएगा इसमें क्या क्या चीजें हैं, पंचायतों से संबंधित राज्य कानून या राज्य के कानून प्रभावी रूप से, ठीक है, पंचायतों से संबंधित राज्य के, पंचायतों से संबंधित राज्य के सभी कानून, ठीक है, यस के कानून प्रभावी रूप से अधिनियम के प्रारंभ होने के 1 वर्ष से पूर्व, 1 वर्ष से पूर्व, ठीक है, तो यहां पर थोड़ा सा याद रखिएगा, 1 वर्ष की अवधि या 1 वर्ष को आप ऐसे कह लेंगे कि पंचायतों संबंधित राज्य के कानून या सभी कानून जो है प्रभावी रूप से अधिनियम के प्रारंभ होने के 1 वर्ष से या 1 वर्ष की अवधि तक लागू रहेगी या समाप्त नहीं किया जा सकता। ठीक है, आप इसको ऐसा समझ सकते हैं कि पंचायतों संबंधित जितने भी राज्य के लिए कानून बनाए गए हैं, ठीक है, वह इस अधिनियम के प्रारंभ करने से जो है, जैसे ही ये प्रारंभ होगा उससे 1 साल का जो अवधि होगा उससे पहले इसे समाप्त नहीं किया जा सकेगा। ठीक है, इसका विद्यमान रहना यह बताया जाएगा। ठीक है, तो विद्यमान रहने का मतलब यह होगा कि यह अवधि के अंतर्गत जो है, 1 वर्ष की अवधि के अंतर्गत जो है यह
लंबे समय तक लागू रहेगी, यानी कि एक वर्ष की अवधि तक जो है समाप्त होने तक ये लागू रहेगी। ठीक है, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट बात याद रखिएगा कि राज्य के सभी कानून जो है प्रभावी रूप से इसी अधिनियम के आरंभ होने के एक वर्ष, ठीक है, ये जो अधिनियम है, ठीक है, जिसे आप कहते हैं 243 अनुच्छेद के अंतर्गत लिखे गए सारे कानून, ठीक है, या फिर आप कह सकते हैं 73वां संविधान संशोधन 1993 का कानून जो है, या संशोधन का जो कानून है, यह अपने अधिनियम के लागू होने के एक वर्ष तक राज्य का जो भी पंचायत से संबंधित कानून है वो एक वर्ष तक जो है इसे समाप्त नहीं किया सकेगा, ये लागू रहेगी। ठीक है, अब इसी के अंतर्गत देखिएगा दूसरा, जो दूसरे शब्दों में हम इसे कैसे कह सकते हैं, ठीक है, तो देखिएगा तो पंचायती राज कार्यक्रम, ठीक है, या पंचायती राज व्यवस्था, पंचायती राज व्यवस्था जो है ये प्रारंभ हुआ था 24 अप्रैल, ठीक है, 24 अप्रैल को स्टार्ट हुआ था, तो 24 अप्रैल से लेकर जो है 1993 से ये प्रारंभ माना जाता है, याद रखिएगा। तो 1993 से याद रखिएगा कि जब 1993 की बात की जाती है तो 1993 से जो है इससे इसके बाद जो है एक वर्ष की अवधि तक जो है ये बने रहेगा, यानी इसे जो है आप ऐसे कह सकते हैं कि अधिनियम की शुरुआत तिथि से जो है एक वर्ष तक ये लंबे समय तक बने रहेगा। ठीक है, तो 24 अप्रैल 1993 से एक वर्ष अधिकतम तक लागू रहेगी, इसे समाप्त नहीं किया जा सकेगा। ठीक है, तो सामान्य तौर पर यह एक धारणा है, याद रखिएगा कि किस तरीके से, क्योंकि देखिए मैं आपको समझा देता हूं कि सभी राज्य जो है यह नहीं चाहते थे कि, देखिए एक्चुअली पंचायती राज व्यवस्था है ना, ये शक्तियों का विकेंद्रीकरण है। ठीक है, और जब शक्तियों का विकेंद्रीकरण होता है तो याद रखिएगा जिसके पास सारी शक्तियां हैं वो चाहेगा क्या कि अपनी शक्तियां लोगों पर बांट दे और लोगों तक चला जाए। ठीक है, तो सामान्य तौर पर यह बात समझिएगा कि ये लागू होने के लिए जो है अलग अलग राज्य जो है, कुछ राज्य इसको शामिल करना चाहते थे, कुछ राज्य इसको शामिल नहीं करना चाहते थे। ऐसी स्थिति में याद रखिएगा कि एक प्रकार से जो 243 एम है, ठीक है, सॉरी एन है, वह दर्शाता है कि अगर कोई भी राज्य इसे लागू होने से मना करता है या किसी प्रकार का अवहेलना करता है, ठीक है, तो ऐसी स्थिति में जो है उस पर कार्यवाही की जा सकेगी। ठीक है, तो यह दर्शाया गया है कि जब इसे लागू किया गया 24 अप्रैल 1993 तक, तो उसके एक साल की अवधि तक जो है इसे लागू रखा ही जाएगा, इस पर किसी प्रकार का हस्तक्षेप बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, इसका विद्यमान रहना ही यह दर्शाता है। ठीक है, चलिए इसके बाद देखिएगा नेक्स्ट है ठीक है, तो अब देखिएगा इसके अंतर्गत एक दूसरा जो पॉइंट आया है हुआ है उसको हम समझेंगे। ठीक है, तो देखिएगा इसका विद्यमान रहना और पंचायत का बना रहना यह दर्शाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा इस नियम के लागू होने या इस अधिनियम के लागू होने के पूर्व स्थापित या क्रियान्वित पंचायत व्यवस्था, ठीक है, यानी अगर ये नियम लागू होता है तो इस नियम के लागू होने से पूर्व जो है जो भी व्यवस्था चल रही थी, पंचायत चल रही थी, ठीक है, तो वह तब तक समाप्त नहीं होगी या उसकी अवधि तब तक समाप्त नहीं होती है, याद रखिएगा, पंचायत व्यवस्था की अवधि समाप्त होने तक बनी रहेगी। ठीक है, मतलब इसको ऐसा समझिएगा कि जब 24 अप्रैल 1993 को अधिनियम स्थापित हो रहा था, पंचायती राज व्यवस्था जो है स्थापित हो रहा था, तो ऐसा आवश्यक नहीं है कि इससे पहले कोई पंचायत ना रहा हो, इससे पहले भी पंचायत हो सकता है, तो उन पंचायतों के बने रहने की जानकारी मिलती है कि उन पंचायत को तब तक बने रहने दिया जाएगा जब तक उनकी अवधि समाप्त नहीं हो जाती। ठीक है, या फिर विधानमंडल के द्वारा उसे समाप्त ना कर दिया जाता है, या फिर विधानमंडल के द्वारा उसे समाप्त न कर दिया जाए। ठीक है, तो ये दो इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखिएगा,
कि किसी भी क्षेत्र में पंचायती व्यवस्था का विद्यमान रहना या बना रहना किस पे प्रदर्शित होता है, तो 243N पे प्रदर्शित होता है, याद रखिएगा, ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट देखिएगा, अंतिम अनुच्छेद 243O, अनुच्छेद 243O, ठीक है। अब देखिए 243O क्या बोलता है, इसको समझिएगा, क्योंकि यह जो है ना एक तरीके से एक पावर है कि निर्वाचन संबंधी मामलों में जो है न्यायालय का हस्तक्षेप, ठीक है, वर्जित किया गया है इसमें, ठीक है। तो याद रखिएगा पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत निर्वाचन मामले में न्यायालय का हस्तक्षेप का वर्जन, ठीक है, यानी पंचायती राज व्यवस्था के सिस्टम को अगर लागू किया जाता है तो उसके लिए हमें निर्वाचन की आवश्यकता होगी, और निर्वाचन के आधार पर जो है जिस प्रकार से निर्वाचन आयोग कार्य करता है, याद रखिएगा, तो इसी कारण से आपने देखा होगा कई बार जो है ना पार्टी के जो नेता होते हैं अगर वो हार जाते हैं तो वो शिकायत लेकर निर्वाचन आयोग के पास जाते हैं, न कि न्यायालय जाते हैं। इसका कारण क्या है, न्यायालय इसलिए नहीं जा सकते क्योंकि निर्वाचन आयोग जो भी आपका निर्वाचन संबंधी सिस्टम है, याद रखिएगा, या पंचायती राज व्यवस्था है, इसके अंतर्गत अगर निर्वाचन का कोई मामला आता है तो उस मामले के मैटर पर, ठीक है, उस मामले पर जो है याद रखिएगा न्यायालय कभी भी हस्तक्षेप नहीं करता, न्यायालय कभी भी उस पर किसी प्रकार का आदेश पारित नहीं कर सकता, इससे ये जो है बाहर रहता है, ठीक है। तो ये सबसे महत्वपूर्ण बिंदु याद रखिएगा कि जो यह दर्शाता है कि निर्वाचन के मामले में जो है किसी प्रकार का, यानी पंचायती संबंधी मामलों में न्यायालय कभी भी हस्तक्षेप नहीं करेगा, ठीक है। पंचायती संबंधी मामलों में न्यायालय हस्तक्षेप नहीं करेगा, ठीक है। तो याद रखिएगा हमने सारे अनुच्छेद हमने पढ़ा है, ठीक है, विस्तार से पढ़ा है, तो कोशिश कीजिएगा कि आप इन अनुच्छेदों को प्रॉपर याद रखिए, क्योंकि आने वाले समय में अभी दिसंबर से पहले ही जो है आपको नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा ADO का, विशेष तौर पर याद रखिएगा ADO जो है, ठीक है, सहायक विस्तार अधिकारी जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और इसी आधार पर जो है आपको एक बात ध्यान रखना है कि मेहनत, ठीक है, मेहनत हमेशा पढ़ने पर नहीं, ठीक है, उसके रिविजन पर सबसे ज़्यादा फोकस किया जाता है, याद रखिएगा कि अगर आप पढ़ाई करने के बाद रिविजन नहीं करते हैं तो इसका फल आपको नहीं मिलेगा। इससे संबंधित जो भी फैक्ट है इसको आप किस तरीके से होल्ड कर पाते हैं, यानी कि लंबे समय तक किसी प्रकार से जो है किसी बात को पढ़ने के बाद आप उसे कितने देर तक याद रख पाते हैं, यही आपको फलसफा दे सकता है, यही आपको याद करने में सहायता कर सकता है। तो याद रखिएगा कि कोई भी टॉपिक आप याद करें, कोई भी टॉपिक आप पढ़ें, तो उससे सबसे ज़्यादा कोशिश करें कि आप उसे कितने लंबे समय तक याद रख सकते हैं। क्यों? क्योंकि अगर आपने उसे लंबे समय तक याद रखने की प्रक्रिया पे काम नहीं किया तो ऐसे में आपके एग्जाम हॉल में जो है वो लंबे समय तक याद न रहने के कारण जो है आपके पढ़े हुए टॉपिक से जब क्वेश्चन आता है तो आपको चार ऑप्शन में ही कन्फ्यूजन पैदा होता है और उस कन्फ्यूजन के चक्कर में आपके क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, ठीक है। तो इसलिए ध्यान रखिएगा कि आप लंबे समय तक किसी चीज़ को याद रखने की प्रक्रिया में चीज़ों को प्रयास करें, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, धन्यवाद।